जन्नत विचो बाहर निकल पर हम मार रहे अल्लाह ने जन्नत विचो बाहर भजा खड़े आए जरा सुनिया है अगली गाल बड़े गौर दे नाल इको बिल्कुल बंद करके आवाज खोल दियो जनाब ए गाल सुनिया है ओ भाई जान शैतान दी जो निशानी हुंदी है और रब दी इबादत बड़ी करता है पिशौरों भी इस तरह चाह के ना साडी मस्जिद च आवणा पवे हम अल्लाह की बात करती है और बढ़ के मरनी तू के अल्लाह दी करना शेर ते कुरान रख के दस अल्लाह के दुनिया कर दे मैं किसी गाल तो नहीं कटी पर जे जागदा बैठा तो बोल तो सही सुभान अल्लाह कमाल वाली बात है यार तमाशा कर दियो समझ आउंदी भाई है ओ फरमाया ए हुन गल सुनया शैतान जे रंदा ना भाई जान ए जे क्या ना ओनु सिंह गोंदई ने ना पूछड़ो मी ने ना नंबर प्लेट सुभान अल्लाह बोलिए दसदा पे कुछ भी नहीं होंदा ते होर शैतान दा पता किवें लगदा मैं कह आरा तू सजनी दई ने अपनी बोली जी वाट ना अजय में बाबा जी खादे मुसे रिजवी साहब आदे होंदे आन सब हजरा तू डिंगे होंदे सपा नू कोई डेंग नहीं होंदे चबल आरा तू सजनी दे चबला नू कोई सेंग नहीं होंदे समझ आंदी भैया कोई नहीं आंदी भाई इसे तरह जो शैतान होंदा है ना ओदी कोई शक्लो सूरत को हयत को नंबर प्लेट को पूछल को सेंग नहीं होंदे आखे बड़ो दी सियान की है मैं कहा जो सियान है अल्लाह नु मने सी अल्लाह दी गल्ला भी मने सी इबादत भी राज करे सी लेकिन जदो अल्लाह वालिया नु मनन दी गल है उसी दी आसी ना दादा साहब जाना है ना बाबा जाना है ना गोरड़े जाना है ना याली बदन का नारा लगाना है कि मैं क्या आइयो ते शैतान है रब नु मनदा है रब दे अपलिया नु नहीं तो जो है फिरामानी के कोरी बोल गोडे छाड़ के पाओ मदीने में गोडे छाड़ रख रहा हूँ के पाओ छोरा तो आड़े वर्ग के जवाना दी मैंने बड़ी लोड़े तो समझ आइए कोई नहीं आया बदरा तुम ओ मेरा चांद शैतान दी शैयान आ गई ने होने या कना सानू किसे दसिया कोई ने जेड़ा भी तेरे सामने बैठा है मौलवी ये मलवाट के शायद तू छाड़ तो उन वाख अल्लाह नु मनना है या नमाज पढ़ना है या तिलावत करना है जी हां बुजुर्गों को मानते हैं करता कि हाँ हाँ बेशक ये कह दे हम कामिल को मान असि भी कामिल नु मनने हैं आजकल दे जेड़े दाड़ी मुंडे फासिक फाजर ए मेलियां दे लवाऊ ए दांदा दे भजाऊ चट वाली कबड़ियां दे कराऊ ए बीबियां दे कोले गोडे घुटाऊ ए लक्की रानी सरकसा दे लवाऊ मठे बोलो मठे बोलो कि नहीं कोई पीर नहीं होंदे मेरी गल लिख लो पीर पता केड़ा हुंदा ही ने आए दो लफ्ज़ां सुन ला जेदी सारी हयाती या फरमाने खुदा दे मुताबिक होवे या मिजाज मुस्तफा दे मुताबिक होवे ये पीर इस तो इलावा को पीरां दे घर जाम पे दे दा मतलब ये कि हुण साडे सिर ते चढ़ के नक्सी पीरां दे घर जमया चंगी गल है तेरे मुक्का करन पर प्यो दादे तेरा बण है औखियां आ गईयां जदों मैं तकरीर करना ना आए गल्लां करना वे अजकल दे बिगड़े तिगड़े सीधे हो जाओ ਇਹ ਅੱਧੇ ਪੀਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਣ ਮੈਂ ਦਮੀ ਮੋਢੂ ਟਿਕਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹੜੀ ਜੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੁਕੱਦਸ ਗਾਂ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਬੜੀ ਵਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋ लेकिन अमल करता कुरान पढ़ता सारी सारी रात नमाज़ पढ़ता जे नजर च पावे तो भी बली बनता तवज्जो है कई बंदे ढेल पाएंगे ओए होए होए ये किड़े पासे टोर पे है सुभान अल्लाह ये किड़े पासे टोर पे है यकीन अल्लाह ते करो हकीकत ही ने सुभान अल्लाह समझ आ रही है पीरा ने घर जम पे सन कोई तकलीफ नहीं है लेकिन शरीयत दा बागी ना बन ते जे शरीयत ते अमल नहीं ना होंदा ते एवें मौलवी दे बराबर ओदी कुर्सी ला के साडे सिर ते सवार करके ना बिठाया करो पांच चार बंदे बोले बाकियां दे साथ मौका है सुभान अल्लाह साडे सिर ते मुसल्लत कर देंदे हो की लोकां नूं पैगाम देंदे हो सारी महफिल पी रहा दस मिनट वास्ते आउंदिया भी महफिल गोल जांदिया भी गोल यार ठीक है तो सही है पर हुण चाहिए आके घंटा भवे पूरा नहीं तो वजो फरमाई जनाब अली सियासी जा बंदे सारे साथ के अपनी महफिल गोल कर लेंगे जांदी करो यार तुसी महफिल हजूर वास्ते नहीं की थी कसम खुदा दी ते कोई ना आवे हजूर बोल भी सुन ले